हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर से क्या खतरे के बादल अब छट गए हैं? ये एक बड़ा सवाल भी है, और सवाल इसलिए क्योंकि वहाँ जो पर्यवेक्षक कांग्रेस के पहुँचे थे उन्होंने विधायकों से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया और अब जो खबर सामने आई उसके मुताबिक अब सुक्खू पद से नहीं हटाए जाएंगे, सुक्खू चुनाव तक अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों माना जा रहा है कि सुक्खू को कांग्रेस अब सीएम पद से नहीं हटाने वाली है। दरअसल 6 लोग बागी हुए थे और इनके खिलाफ उन्होंने वोट किया था, और ऐसे में राज्यसभा चुनाव में जो आंकड़ा सामने आया था उससे एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा था। बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई थी, और तब से ये लगने लगा था कि क्या अब सुक्खू सरकार अल्पमत में जा चुकी है। और इसीलिए विरोधी बीजेपी के तमाम नेता आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। सवाल ये था कि क्या अब बहुमत परीक्षण में सुक्खू की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में कांग्रेस के नेता भी एक्टिव हुए, पर्यवेक्षकों को भेजा गया, नाराज लोगों से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने की बात हुई, लेकिन उससे पहले तमाम जो मौजूदा विधायक थे उनसे भी बातचीत की जानी थी। ऐसे में सवाल ये उठा कि उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने जो इस्तीफा दे दिया था उसे स्वीकार नहीं किया गया है, क्या उन्हें मना लिया गया, और क्या विक्रमादित्य के साथ साथ उन 6 बागी विधायकों को भी मना लिया गया है, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन स्थिति अभी भी वही दिखाई दे रही है, और आंकड़ा वही 34-34 का दिखाई दे रहा है, यानी विपक्षी पार्टी बीजेपी के पक्ष में भी 34 लोग अभी खड़े दिखाई दे रहे हैं। मतदान से यही साबित हुआ था राज्यसभा के, और कांग्रेस के पास भी आंकड़ा ऐसा ही है। दरअसल कांग्रेस ये मान रही है कि अगर 34-34 की स्थिति है तो टाई के पोजीशन में स्पीकर को मतदान का अधिकार होता है, और ऐसे में एज की स्थिति होने के बावजूद उस एक वोट से कांग्रेस मान रही है कि वो अभी विनिंग पोजीशन पर है। हालांकि जिस तरीके का कदम उठाया गया है, विधानसभा के भीतर विपक्ष के कुछ नेताओं को बाहर किया गया, और ऐसे में जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी थी, माना यह गया कि सरकार के पास बहुमत है, लेकिन ये कई लोगों की गैर मौजूदगी के बाद की स्थिति थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बड़ा फैसला कांग्रेस ये क्यों कर रही है कि अगर कुछ विधायक नाराज भी हैं मुख्यमंत्री से तब भी ये पद से नहीं हटाए जाएंगे। दरअसल मोबाइल पर एक ब्रिक्स का गेम खेला जाता है, उसमें अगर 6 ईंटों में से 3 ईंटें निकल भी गई है तो ऊपर की मीनार उसी 3 ईंट के सहारे खड़ी दिखाई देती है। ऐसे में डर ये होता है कि अगर मुख्यमंत्री पद में कुछ हलचल लाई जाती है या उसे बदला जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि जिस मुख्यमंत्री को बदला जाएगा उसके साथ के लोग या वो खुद मुख्यमंत्री नाराज नहीं होंगे और उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। क्या कहीं उससे बड़ा खतरा तो नहीं आएगा, और क्या एक भी ईंट अगर खींच ली जाएगी तो जो अब तक की खड़ी हुई पूरी की पूरी दीवार है वो कहीं भरभरा कर गिर ना जाए। और यही एक बड़ा खतरा कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, ताकि अगर 34-34 की स्थिति है तो अभी फिलहाल कांग्रेस खुद को विनिंग पोजीशन में मान रही है, और इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा और ना हिलाने की इच्छा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की है, जब तक कि कहीं कोई बड़ा झंझावात ना आ जाए। और इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस ये मान रही है कि फिलहाल आने वाले कुछ वक्त तक यथास्थिति बनाए रखने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि अगर समीकरण को कहीं से भी घटाया या बढ़ाया गया तो फिर ऐसा ना हो जाए कि जो एज पर सिर्फ एक के मार्जिन से अभी कांग्रेस अपने आप को विनिंग पोजीशन पर मान रही है वो भी दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और इसीलिए कांग्रेस ने फिलहाल ये तय किया है कि सुक्खू को अपने पद पर बनाकर रखा जाए, नाराज विधायकों को मनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, और इसीलिए कोई बड़ा कदम उठाने की स्थिति में कांग्रेस फिलहाल नहीं है। और इसीलिए ये खबर सामने आ रही है कि सुक्खू को फिलहाल अगले आने वाले चुनाव तक जीवन दान मिल चुका है, लेकिन यही स्थिति बनी रहेगी ये वक्त तय करेगा।